you look, Bert? Where's Bert? Where's Bert? Kian, where's Bert? Where's the bird? Good morning, everyone. Welcome to my vlog. Aaj hai Tuesday morning. And Kian mere saath hai. Hum log subah balcony mein aaye hain aise birds ko dekhne ke liye. Kian, tell me where's the bird? Bird? सो इसका फीड हो गया है एंड यूजुअली मॉर्निंग में आई गिव हिम दिस हिमालया बोनिसन क्योंकि कुछ भी अगर कॉलिक इश्यूज़ हो तो इट्स वेरी बेनिफिशियल. सो ये दिन में दो बार लेता है हिमालया बोनिसन. सो आई जस्ट गिव हिम दैट. यू वांट? हाँ. लास्ट व्लॉग में मैंने बोला था कि फ्राइडे को मेरे रिलेटिव्स आने वाले थे घर पे, बट आई कुडंट टेक एनी क्लिप्स बिकॉज आई टोल्ड यू दे माइट नॉट बी कंफर्टेबल. तो इसलिए मैं कुछ क्लिप्स नहीं ले पाई. बट सैटरडे को हम ऐसे ही थोड़ा नीचे उतरे थे जस्ट फॉर गेटिंग फ्रेश एयर. ज़्यादा क्राउडेड एरिया सब अवॉइड करना चाहते हैं क्योंकि ऐसे सुनने में आ रहा है कोरोना वायरस का इशूज़ वगैरह. कुछ कन्फर्म नहीं है बट फिर भी जस्ट एज अ प्रिकॉशनरी मेजर we want to avoid public places especially because that we have Kian. So ऐसे हम नीचे उतरे थे तो मैं उसका क्लिप डाल देती हूँ, आप वो देख कर. Kian. तो यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ उसका ब्रेकफास्ट. आज के लिए है ओट्स पॉरिज. सो लेट्स गो हैव अ लुक एट द रेसिपी. पहले तो थोड़ा पानी डाल देती हूँ. आई विल बी यूजिंग द ऑर्गेनिक ओट्स फ्लावर. अराउंड 4 to 5 स्कूप्स. जस्ट गिव इट अ नाइस स्टर ताकि लम्ब्स ना बने. ओके मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं कौन सा ओट्स फ्लावर यूज़ कर रही हूँ इसमें. बट पहले फटाफट ओट्स बना लेते हैं. इसके ऊपर थोड़ा सा अगर आपको स्वीट ऐड करना है तो यू कैन यूज़ जैगरी. बट आई एम यूजिंग दी ऑर्गेनिक पाम शुगर, कोकोनट पाम शुगर फ्रॉम बायोना. सो हियर आई एम एडिंग अ स्कूप ऑफ पाम शुगर. दिस इज़ अ वेरी हेल्दी ब्रेकफास्ट बिकॉज इट हैज़ अ हाई कंटेंट ऑफ फाइबर. एंड आई ऑल्सो प्रेफर एडिंग प्रूनस. अगर आपके बेबी को कोई कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो तो प्रूनस ट्राई कीजिए, इट रियली हेल्प्स अ लॉट. सो टू दिस आई एड अ फ्यू पीसेस ऑफ प्रूनस. तो इसमें ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने प्रूनस कट करके डाल दिया है. आप जो भी फ्रूट चाहे डाल सकते हो, लाइक बनाना भी आप डाल सकते हो इसके साथ. बट आई प्रेफर गिविंग फ्रूट्स सेपरेटली. बट प्रूनस मैं ऐड करती हूँ ताकि उसको कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम ना हो.
सो आई विल जस्ट लेट दिस थिकन अ बिट. आपको जो कंसिस्टेंसी चाहिए आप तब तक बॉईल करिए. माय बेबी प्रेफर्स हैविंग इट अ लिटिल थिक बिकॉज अभी वो 10 मंथ्स का हो गया है. When he was around 6 months and I had just started solids, the quantity was also very less and it was a very thin consistency. But now he prefers having a little bit of thick consistency. So I'll let this boil. Flour that I'm using, it's from Earth's Finest. And these are the prunes. And ye hai Biona ka coconut palm sugar organic. Aap chahe to jaggery bhi use kar sakte hain. तो यहाँ पे ओट्स अच्छे से बॉईल हो गया है. सो आई विल टर्न ऑफ द गैस नाउ एंड इसको एक बोल में ले लेती हूँ. ओके, सो ये रहा हमारा ओट्स एंड प्रूनस पॉरेज. तो लेट इट कूल डाउन, तब तक मैं उसको ज़रा फ्रेश कर लेती हूँ एंड मिलती हूँ आपको थोड़े टाइम में. तो आपने जो ये रेसिपी देखा है दैट इज़ परफेक्ट फॉर अ बेबी हु इज़ 8 मंथ प्लस, बिकॉज जो प्रूनस के पीसेस हैं वो थोड़े बड़े हैं. तो अगर आपका बेबी चू करने लगा है तो यू कैन गिव इट टू द बेबी. बट इफ़ योर बेबी हैज़ जस्ट स्टार्टेड विद सॉलिड 6 मंथ्स अबव ऑब्वियसली, तो आप प्रूनस को क्या हो गया, व्हाट हैपेंड, तो आप प्रूनस को छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके ओट्स के साथ ब्लेंड करके दीजिए. तो मैं आज का व्लॉग यहीं पर ही एंड कर देती हूँ और आई विल सी यू विद माय नेक्स्ट व्लॉग. इफ यू लाइक माय व्लॉग्स प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. से बाय कियान, बाय, से बाय 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 एवरीवन, सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग. दिस इज अ टेलीविजन. ओके, so I have divided the hall.